कक्षा 12 चित्रकला प्रावैधिक केवल प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम सममित चित्रण में पूछे जाने वाले ए अक्षर को लिख करके दिखाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सममित अक्षर लिखने के लिए ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लकड़ी की काट 1 सेंटीमीटर होती है। उसी के अनुरूप हमने ग्राफ पहले से तैयार किया है। आइए हम इस ग्राफ में आज ए अक्षर लिख करके अभ्यास करते हैं। ए अक्षर लिखने के लिए सबसे पहले हम इस ग्राफ के सबसे ऊपर के हिस्से में ए अक्षर का पहला फलक बना लेते हैं जो शीर्ष पर होता है। ए अक्षर लिखने में सबसे शीर्ष पर इस प्रकार का फलक होता है। इसी फलक को हम सममित रूप में लिखेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर के बीच वाले खाने में जो सबसे बीच वाली लाइन होती है, यह बीच वाली लाइन को हम आधे आधे सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर, इसके दोनों ओर आधे आधे सेंटीमीटर पर टिक लगा करके 1 सेंटीमीटर की दूरी निकाल लेते हैं और ऊपर भी 1 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से हम टिक करके निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम इन दोनों बिंदुओं को जो आमने सामने बिंदु हैं इन्हें हम इस प्रकार से गहरा कर देते हैं तो हमारा ए अक्षर का शीर्ष बन करके तैयार हो जाता है। इस प्रकार से ए अक्षर के शीर्ष बन जाने पर हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं जिससे आसानी के साथ एक अक्षर आप बहुत सहज तरीके से बहुत कम समय में ही तैयार कर सकते हैं। उसके लिए इस शीर्ष पर हम इस बिंदु को 1, इस बिंदु को 2 और इस बिंदु को 3 मान लेते हैं। फिलहाल ऐसा एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, यह केवल सीखने के लिए हम आपको एक मेथड, एक सूत्र, एक आसान तरीका बता रहे हैं। 1, 2, 3 इस तरह से इन तीनों बिंदुओं को मान लेते हैं और इसके पहले फलक को बनाने के लिए हम नीचे जहाँ भी 1, 2 और 3 इस तरह से बिंदुओं का नाम दे देते हैं और 1 को 1 से इस प्रकार से मिला देते हैं। इस तरह से 1 को 1 से हम मिला देते हैं और फिर 2 को 2 से मिला देते हैं। इस तरह से 2 को 2 से मिला देते हैं और फिर 3 को 3 से मिला देते हैं। तो बहुत आसानी के साथ बहुत ही कम समय में सूत्रवत इस प्रकार से ए का पहला फलक बन करके 1 सेंटीमीटर के काट में ऊर्ध्वाधर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिर्यक इस तरह से बन जाता है। इसके बाद दूसरे फलक को बनाने के लिए भी हम 3 के जहां नीचे 3 और इसको 2 मान लेते हैं और यहां से 1 सेंटीमीटर की जो काट निकलेगी इसको हम 3 मान लेंगे। इस प्रकार से यहां इसको 3, ये 3, 2 और इसको 1 मान लेते हैं। इस तरह से तीनों बिंदु हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम 3 को 3 से मिला देते हैं। इस तरह से 3 को 3 से मिला देंगे और 2 को इस तरह से 2 को 2 से मिला देंगे। इस प्रकार से उसके बाद जहाँ 1 सेंटीमीटर की काट हम निकाल लेते हैं इस प्रकार से। अब 1 को 1 से मिलाते हुए इस प्रकार से हमको ऊपर नीचे खींचना है, लेकिन जहाँ हमें ए अक्षर के बीच की काट को भी दिखाना है और बीच की काट को दिखाने के लिए हमें बीच के इस हिस्से को गाढ़ा कर लेना है। इस प्रकार से हम बीच के हिस्से को पहले गाढ़ा कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर 1 को 1 से मिलाते हैं इस तरह से, 1 को 1 से मिला देंगे। उसके बाद जहाँ ये हिस्सा इधर चला जाएगा और ये छाया में चला आएगा, अब देखिए हम छाया दिखाते हैं। सबसे पहले इस फलक को हम छाया के रूप में हल्की शेडिंग दे करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक
आराम से बना देंगे, जिससे छाया हर जगह पर्याप्त और समान रूप से बन जाए। इस प्रकार से इस तरह से बना देंगे। 2B पेंसिल का प्रयोग करेंगे। 2B पेंसिल से हमारी रेखाएं गहरी और छाया हमारी शीघ्र बन जाती है, क्योंकि 2B पेंसिल में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वह शीघ्र ही गहरे प्रभाव छोड़ती है। इस तरह से एक एक फलक को हम कलर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस फलक को भी इस तरह से हम सेट दे देते हैं इस प्रकार, और इसी के अंतर्गत यह भी सेट हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम इस नीचे के हिस्सों को इस प्रकार से गहरा कर देंगे, इस तरह से, इस प्रकार गहरा दिखा देंगे, तो हमारा ये अक्षर बड़ी सहजता से बन जाएगा। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होती है, यहाँ हम 7 सेंटीमीटर, यहाँ 4, और लकड़ी के बने अक्षर की काट 1 सेंटीमीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। ये 30 अंश होगा, तो यहाँ 30 अंश, इधर भी 30 अंश का कोण बनाते हैं यहाँ, और उसके बाद शुद्ध सेंटीमीटर दिखाने के लिए हम यहाँ से 45 अंश का कोण बना लेते हैं, और उस पर हम एक डॉटेड लाइन इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींच देते हैं, और इसे शुद्ध सेंटीमीटर लिख देते हैं। यह सममिति सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, जो काट को प्रदर्शित करेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, जिसे आप पटरी से खींच करके बनाएंगे। यहाँ से नीचे यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई प्रदर्शित करता है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम पूर्णतः ए अक्षर को बना सकते हैं, और बड़ी सहजता से ही एक सुंदर समिचित्र की रचना कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको ये समिचित्र बनाने का तरीका ज्ञात हुआ होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले समिचित्र के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।